ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रदेश के सिंचाई तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को विकास खंड चरगावा के विशुनपुर गांव में रात्रि चौपाल लगाया और गांव में ही रात्रि विश्राम किया। इस दौरान पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP शल्लभ माथुर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी तथा भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। चौपाल में प्रभारी मंत्री ने राशन कार्ड, राशन वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विद्युत विभाग, शौचालय निर्माण के प्रगति, विधवा वृद्धा पेंशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की गाँव वासियों के साथ समीक्षा की। मंत्री ने गाँव वासियों से क्रमवार एक एक कर योजनाओं के प्रगति संबंध में जानकारी ली, जिसमें मंत्री को राशन वितरण में काफी शिकायत मिली, जिसके लिए मंत्री ने जिलाधिकारी को राशन वितरण के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने तथा कोटेदार के कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए। इसके साथ विद्युत विभाग को ग्राम सभा में प्रत्येक घरों के सामने निःशुल्क LED बल्ब लगाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब ODF की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों पर आधारित अब गाँव का विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया, देवी जी से अपने प्रभारी मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके सभी कुमार सिंह जी का आगमन हुआ। लोकप्रिय जिला अध्यक्ष माननीय प्रभारी मंत्री ने पार्टी चरगावा मंडल अर्पण करके स्वागत करें। अभी हमने 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई थी। बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर जी का ये सपना था कि गांव गरीब किसान जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी तब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा होगा। योजना कराए। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और हम लोग का जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, गांव को एक स्वराज गांव के रूप से देखने जा रहे हैं। स्वराज यानी जो अपने संसाधन से पूरा हो और इनका हर परिवार स्वच्छता और जो खुशहाली का एक तरफ केंद्र हो, उसी के दिशा में 86 गांव यहां जो गोरखपुर जिले में चयनित हुआ है केंद्र सरकार द्वारा। इसी के अलावा 19 गांव राज्य सरकार ने भी हर किस्से जो गांव पंचायत में गांव में SC ST का संख्या ज़्यादा है उसको जोड़ते हुए 19 गांव जोड़ दिए। टोटल 105 गांव हम लोग एक स्वराज अभियान के तौर से ले रहे हैं। ये एक तरफ अभियान है, 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मतिथि के दिन में शुरू हुआ था, इसको मई 5 तक इसको अभियान को चलाना। इस अभियान साइंटिफिक तरीके से हम लोग चला रहे हैं, आप तो जानते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर से इसी गांव में हम लोग चिन्हांकन करने के बाद घर घर गए थे, हम लोग 14 परिवार के घर घर जा करके उनके घर में क्या कमी है उसको नोट करवाए। हम किसके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है, किसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, किसके बच्चे का टीकाकरण नहीं लगाया है, किसका अकाउंट नहीं खोला है और किसका जो बीमा के अंदर वो कवर नहीं हुआ है, इसी टाइप का हम लोग पूरा चेकलिस्ट बना है घर घर जाकर के। ऐसे 105 गांव में हम लोग सर्वे किए, वही हमारा लक्ष्य हो गया। अब उसी हिसाब से मान लीजिए इसी गांव में आच्छादित करने के लिए हम लोग वहाँ से मतलब पहले से अभियान चालू कर रहे हैं, एक एक करके हो रहा है। कल वैसे उज्ज्वला दिवसोत्सव 14 परिवार का हम लोग घर घर जा करके सर्वे करके निकला है। यहाँ मान लीजिए 125 लोग का उज्ज्वला कनेक्शन का हमें जरूरत है, हम लोग 217 लोग का कनेक्शन दे चुके हैं और लोग को भी देंगे। उसी दिशा में विद्युत कनेक्शन 148 परिवार का हमें जरूरत है, 666 लोग का हम करा चुके हैं। उसी टाइप का अभी तो जीवन ज्योति योजना के अंदर जो आपका अकाउंट खोलना है अभी सारे परिवार को खोलना अवशेष है। इस तरह से हमारा पूरा लक्ष्य तय हो गया, इस पे आप लोग को पूरा आच्छादित करेंगे। यानी जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का कितने योजना है आपका घर का दरवाजा तक पहुंचाने के लिए काम हम लोग करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश यही है, ये अंत्योदय में जो भी व्यक्ति है जो अंत छड़ी पे है उनका फायदा पहुंचाना है हम लोग एक तरफ से। इसमें 16 विभाग मिले हुए हैं, बैंक सेक्टर में भी है, बिजली विभाग का है,
स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, आपका कृषि विभाग है, सभी विभाग इसमें शामिल करते हुए प्रभारी मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आपके साथ राष्ट्रीय राष्ट्रीय विश्राम भी करेंगे। उसका जो आप लोग का समस्या आप तो आते हैं कि हमें भी ये निर्देश दिए थे कि गाँव में यदि जमीन संबंधित कोई भी विवाद हो पूरे निकल करके उसको सही कराए। सर हम लोग दो दिन पहले से यहाँ अभियान चला रहे हैं। सर यहाँ जो कितने लोगों का पट्टा मिला है उन लोगों को पट्टा भी काबिल है। इसको पाखा 11 जो बारिशम दर्ज होना हो चुका है। जमीन संबंधित विवाद अभी एक भी बचा नहीं सर। 116 कार्रवाई कितने हैं वो भी निपटा गया सर आपसी समझौता से। इसकी एक तरफ से ये गाँव है सर आज विवाद से मुक्त है। एक तरफ से हम कह सकते हैं सर विवाद मुक्त हम आराम से कोशिश करते हैं। पंचायत से बड़ा कुछ होता नहीं है। पंचायत एक ईश्वर का स्वरूप होता है और धरती की पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो कोई असाधारण व्यक्ति ही चढ़ सकता है। आप असाधारण है तो ईश्वर को भी पंचायत का रूप मानना पड़ा। तो कोई भी खड़ा होकर बता सकता है। वैसे अच्छा है आंगनबाड़ी आशा और ये सब बैठी है यहाँ। ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं यहाँ जी। कोई डॉक्टर उपलब्ध है जिस तरह डॉक्टर बुलाए आपने डॉक्टर है आप? अरे अच्छा 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 आप पता क्यों नहीं रहे मैं डॉक्टर हूँ तो सुन रहे हैं। यू आर नॉट लुकिंग एज ए डॉक्टर। डॉक्टर की तरह दिखाई भी तो आप बैठते हैं अपने हॉस्पिटल में? जी सर चरगावा बैठते हैं। चरगावा बैठते हैं ठीक है। मरीज आते हैं? जी सर। ओपीडी कितने मरीजों की होती है? करीब 150 सर। आते हैं 150? जी सर। क्या सुन नाम है आपका? डॉक्टर धनंजय कुशवाहा। डॉक्टर धनंजय कुशवाहा। धनंजय कुशवाहा। आज 150 की ओपीडी हुई है? आज सर 120 के आसपास। 120 ठीक है। जो हुई है वही बताना सर। दवा देते हैं आप? जी सर। मार्केट से तो नहीं लेते? नहीं सर। जो बच्चों का जो प्रसूति का कार्यक्रम कार्य है ये ठीक से होता है? होता है। रुपया शासन की मंशा के अनुरूप दिया जाता है? जी सर। फिर सब महिला को? जी सर। बताओ का प्रसव ठीक हो रहा है? जी सर हो रहा है। लेबर रूम वगैरह ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। आपके सहयोगी डॉक्टर हैं? नहीं सर यहाँ अकेले हैं सीएमओ सर हैं। आप लोग कोई दवा लेने गए हो डॉक्टर साहब के पास? यहाँ इसका मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोगों को अवसर नहीं मिला और बीमारी नहीं हो रहे बहुत अच्छा है ठीक है। डॉक्टर साहब बैठ जाओ। पहले विकास है इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता सुरक्षा है। आज मैं जैसे लखनऊ से चला मैंने डीएम से भी बात की और एसएसपी से भी बात की। डीएम से कहा कि आप अपने गांव में जाकर ये तय कर लें कि गांव बहुत ठीक ठाक रहे 116 और इत्यादि के काम खत्म हो जाए। एसएसपी को भी कहा कि आप जाके देखें यदि गांव बाद रहे थे मुकदमेदारी कोई नहीं है। मैं आज आप सब लोगों को प्रधान से और यहाँ के सभी मेम्बरान को सभी निवासियों को बिशुनपुर के हृदय से स्वागत करता हूँ कि आपके गांव में कोई मुकदमाबाजी। और मैं महेंद्रपाल सिंह जी को चाहूंगा मैं भी मदद करूंगा इस गांव में स्पेशल विकास हो। जिला अधिकारी तय कर ले क्या करना है मैं उसमें मनसूयोग करूंगा। इस गांव का स्पेशल विकास होना चाहिए। इस गांव के प्रधान को अलग से विकास का धन देने का काम करेंगे ताकि ऐसे ही गांव जनपद गोरखपुर में बाद रहित गांव कोई गांव में मुकदमेबाजी ना हो। यानी बहुत अच्छा है कि आपके गांव में 116 नहीं 116 झगड़े होते पुलिस क्या काम करती है? झगड़ा हुआ तो अपने बचने के लिए उसने 116 कर दी। अब आप आते रहो पैसे पैसा लगाते रहो। तो आज आने का मतलब यहाँ यही था। मैंने दोनों अपने बड़े अधिकारियों को कहा कि बिशुनपुर गांव को बाद रहे गांव हो
तो मैं उनको आभार व्यक्त करूंगा कि ये गांव बात रहे थे। दूसरा, यहाँ अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी सरकार की प्राथमिकता होती है और इस प्राथमिकता में रहने के लिए मकान मिल जाए, तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए। दो तरीके का सुख होता है, एक तन का सुख और एक मन का सुख। तन के सुख के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए और मन के सुख के लिए ज्ञान विज्ञान अध्यात्म इत्यादि चीजें चाहिए। तो आज हम यहाँ बात करने आए हैं तन के सुख की, यानी रोटी कपड़ा मकान। किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है वह अपने नागरिकों को, अपनी जनता को रहने के लिए मकान उपलब्ध करा दे, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर दे, आने जाने के लिए सड़कें दे दे, बिजली की व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, तो वो सरकार अपने में खरी सरकार मानी जाती है और वो सरकार अग्नि परीक्षा में पास मानी जाती है। योगी सरकार इन सभी कामों को प्राथमिकता से कर रही है, इसलिए अपनी परीक्षा में, अग्नि परीक्षा में सफल सरकार है। एक साल में वो काम किया गया जो पिछले 14 साल में नहीं हुआ। आज हम उसी क्रम में, इसी श्रृंखला में, बिशनपुर में आपके बीच बैठे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। मकान सरकार की एक व्यवस्था है कि गरीबों को वितरण प्रणाली में फ्री, माने पैसा लेकर फ्री देने का काम, यानी जो बाजार से नहीं मिलता फ्री पड़ता है। तो यहाँ हमने जिलाधिकारी को कहा था कि कुछ राशन इत्यादि और ये सारे काम कुछ करने के हैं, तो वो उन्होंने किए हैं, मेरे पास इसमें आया हुआ भी है। आप लोगों को राशन वितरण में, आपको राशन ठीक ठाक मिलता है? नहीं मिला, ठीक है। देखिए आपस में कतई बात नहीं करोगे, जो बोलोगे वो हम ही से बोलोगे और गुस्सा होके नहीं बोलोगे, गुस्सा होके नहीं, बहुत सहज भाव से कहना। आज हम आपको आपकी समस्याओं का, जनता की सरकार, जनता के दरबार, जनता के द्वार, आज योगी सरकार आपके दरबार आई है, इसलिए राशन वितरण प्रणाली ठीक नहीं है, डीएमसाहब जरा इसको ध्यान रखो। और यहाँ पर एक अधिकारी तय करो, वो स्वयं खड़े होकर राशन बंटवावे और कोटा डीलर की जांच कर लीजिए। जांच में यदि ठीक काम करता है तो कोई बात नहीं है और ठीक वितरण नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। हमारा नहीं मिला आज, राशन कार्ड आपको नहीं मिला, क्या नाम है जरा नाम कौन, आपकी कार्रवाई तो लिख रहा है डीपीआर कहाँ बैठे हैं भाई, लिख रहे हो तुम क्या कर रहे हो, रामलाल लिख रहे, क्या नाम है आपका, निर्मल शर्मा, निर्मल शर्मा, आप पे राशन कार्ड नहीं है, कब से नहीं है, 15 साल से राशन कार्ड नहीं है, आपका क्या नाम है, परमल, आप राशन कार्ड नहीं है, आराम से प्रेम से पीला राशन कार्ड है, ये मालूम है, एक महीना से खेत की बात करेंगे तो बुला लेंगे राशन कार्ड, एक तो आपके राशन कार्ड नहीं, आप पर नहीं, आपका नाम बोलो परमानेंट, और आपका सब ठीक है, खराब तो नहीं है कोई, जो नल है आपके
वो सब ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। खराब नहीं, खराब नहीं है। और यदि कोई खराब भी हो तो उसको ठीक करा दीजिए। वीडियो है? वीडियो वीडियो आ रहा है। वीडियो जल निगम का कोई अधिकारी है? आप वीडियो तो आप देख लीजिए, सारे सिस्टम नलों का और ये सब अधिकारी है कोई जल निगम का? ठीक ग्राम पंचायत ऐसा तो आप लोगों को आ रहा है, ठीक है, हो रहा है। समय जी बड़े हैं, दो बड़े हैं अभी। थोड़ा सा गेहूँ की खेती होती, शादी उदी के नाते बच्चे जो है आने में असमर्थता जता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और डे बाय डे डोर टू डोर हम लोग जा भी रहे हैं। माननीय विधायक जी को बुलाया कभी? नहीं सर, अभी तो यहाँ पे हुआ था, हम लोग आए भी थे साथ में, रैली की झंडी भी सर दिखाई थी जी। और थोड़ा और प्रयास करो गाँव में, एक बार मास्टर साहब चले हैं, पहले अध्यापक लोग जाते थे, बड़ा सम्मान मिलता है, हम लोग जाते हैं सर। परिवारों में जाओगे तो बहुत सम्मान मिलेगा जी। सर आप पूछ लीजिए, हम लोग जाते हैं। पूछ नहीं, हम तो आपसे ही बात कर रहे हैं जी, जी, जी। परिवार में जाओगे तो सम्मान मिलेगा, गरीबों के बच्चे पढ़ाओगे तो आपका बहुत स्वाभिमान बढ़ेगा। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को इकाई दहाई सैकड़े का ज्ञान है जी सर, ज्ञान है। हिंदी पढ़ना आती कक्षा पाँच तक? एक के बच्चे, दो के बच्चे में नहीं, तीन चार पाँच इंग्लिश। मैं तो कक्षा पाँच की बात कर जी जी आती है जी जी। कभी हम देखेंगे जरूर आप, ठीक है जी। इनको प्रवेश करवाइए और आप लोग भी देखिए, बच्चों को पढ़ने भेजिए प्राइमरी स्कूलों में। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई सरकार की ओर से बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक आ रहे हैं और सारे अध्यापक पढ़ाने का काम करेंगे। आप अपने सारे टीचर्स को समय से आइए और समय से छुट्टी करिए, बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। आएगी तो गांव में नहीं आएगी, बाढ़ प्रभावित नहीं करेगी, हम पक्का इंतजाम किए देते हैं आपको। पक्का इंतजाम करने की बात कह रहा हूँ, बंदा टूटा हुआ वो बच जाएगा। हम कह रहे हैं अब आपके इसको बाढ़ आपको नुकसान नहीं करेगी, तो नदी का सम्मान कम हो गया इसलिए समस्याएं बढ़ रही। मैं फिर दोहरा रहा हूं, समाज में नीर यानी पानी की कोई कीमत ही नहीं रहती। दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन एक स्थान है, पीने का पानी कम हो गया, पानी रहेगा नहीं जनता को पीने का। ऐसे ही पानी का हम इतना अपव्यय करते हैं, पानी को बहाते रहते हैं और जमीन में भी पानी रह नहीं गया है, कब तक पानी निकालोगे? जमीन भी पानी देना बंद कर देगी, इसलिए पानी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो और नदी का भी सम्मान हो। नदी को आप सम्मान नहीं करते, नदी में जहाँ चाहते हो वहाँ उसको अतिक्रमण कर लेते हो, जहाँ चाहते हो उसको तोड़ मरोड़ कर लेते हो, जहाँ चाहते हो उसके फ्लड जोन में मकान बना लेते हो। तो इस तरीके से इस बार नीर, नारी और नदी इनका सम्मान बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके किनारे एक सभ्यता बसती है। इससे जीवन, जलवायु और जमीन इन तीन चीजों से क्या सुरक्षित होगा? जीवन ठीक होगा। पात्रता के आधार पर उसकी यूनिट जो जिस पात्र है, जिस तरीके का है उसका कार्ड वैसे ही बने। तो राशन कार्ड हर चीज में आवश्यक होता है। आपका आधार कार्ड है सब पर? आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज आधार कार्ड से लिंक हो रही है। राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब बन जाए। तो राशन कार्ड की एक प्रमुख समस्या थी जो यहाँ सामने मेरे आई है, इसका हम निराकरण कराएंगे। पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधान जी हमारे बराबर बैठे, जो गरीब है वास्तव में उसका आवास जरूर बनना चाहिए, और जो गरीब नहीं है उसका आवास कतई नहीं बनना चाहिए।
इन दोनों बातों पर हमारे अधिकारी भी ध्यान दें, वीडियो विशेष चिंता करें, उनके सहयोगी विशेष चिंता करें। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्ति को ही लाभ दें आप, अपात्र कतई ही लाभ ना उठा पावे इसकी आप चिंता कर लें। डीपीआरओ बैठे होगी, बात कर लेंगे, बाकी चीजें देख लेंगे, यही बैठ कर बात करेंगे, लिखते रहिए। कोई कमी नहीं है, पूरा बजट है, हमने पैसा बजट दिया है पूरा के पूरा। शौचालय बनवाइए यहाँ, जनता को मत बताइए पैसे की कमी। जनपद गोरखपुर आप कितने में करा दोगे डीएम साहब? पूरे गोरखपुर को 100% कर लोगे अगस्त तक? 310 गाँव है, 870 हो गए, बाकी हम लोग सर पर डे 1500 शौचालय बना रहे हैं। इसको आप प्राथमिकता से लीजिए, और इसको आप प्राथमिकता से लीजिए, कितना कर, कब तक करोगे इसको पूरा? 45 डेज दे दीजिए सर, शौचालय बनने में बनने में टाइम लगता है। और जिन साहब पूरे जनपद कब तक होगा? 31 अगस्त। 1,95,000 बनाने बाकी हैं। राम बच्चन हैं, धनेश तुम्हारा घर है? अच्छा ठीक है, खुद देख लीजिए। मोरी विद्युत कनेक्शन फ्री दिए गए हैं अभी? मैं पास करवा मिले, ठीक है। क्या नाम है आपका? खड़ा हुआ। जनधन योजना के खाते खुले हैं कुछ लोगों के? जनधन योजना में खड़ी है, बहुत अच्छा है। चलिए, टीकाकरण हुआ है, कुछ को टीके उनके लगे टीकाकरण की? स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, जिलाधिकारी जी जरा देखें इसको, मुद्रा योजना ये बैंक इसमें मदद करें, इस पे भी आप देख लो। इसके लिए 814 परिवार है, 814 परिवारों में एक LED बल्ब हम फ्री, सब मैंने डीएम को कह दिया है, हर एक परिवार में फ्री लग जाएगा, कोई पैसा नहीं जाएगा। आनंदेश आपको बता दिया, उन्होंने ये कह के भेजा कि धर्मपाल सिंह जाओ इस गांव में एक एक बल्ब हर एक के दरवाजे पर LED फ्री लगवा दो। तो मैं योगी जी की तरफ से आपके गांव में एक LED लाइट फ्री देके जा रहा हूँ। अब तालियां तो जोड़ दो, फिर आकर ही देखेंगे। बिजली विभाग के लोगों को अब क्या हो सहयोगी है, एक्सीएल है, आप इस गांव को चाकियों मत करके कर दो, बिजली आनी चाहिए, ठीक है? चलो आप जाओ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें राज्यसभा में जनसंघ से भेजने का काम किया, तब वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, और उस अध्यक्ष बनने पर उन्होंने भारत का संविधान लिखा जो दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है। उसी संविधान का अनुपालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने करते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने नहीं भिजवाया, राज्यसभा में किसी और दल ने नहीं भिजवाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा में भेजने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया जो जनसंघ के संस्थापक थे। गांव में स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की, बिजली की, राशन कार्ड की आपूर्ति की, और एक तरीके से राशन वितरण प्रणाली की ये समस्याएं आई थी, इनको विधिवत और व्यवस्थित ढंग से निराकरण कर दिया गया है। और पेंशन, विधवा अवस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, इसके बारे में भी आदेश कर दिया गया है। राशन वितरण प्रणाली के साथ साथ राशन कार्ड नहीं है गांव में ज़्यादा समस्या के, वो भी आदेशित कर दिया गया है।
और इस गांव में उपहार स्वरूप माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, बिजली विभाग के द्वारा एलईडी बल्ब 814 परिवार हैं, सबके परिवारों में एक बल्ब फ्री लगाया जाए। सर, सफाई कर्मियों की समस्या आई है तो क्या निर्देश? हाँ, सफाई कर्मियों के लिए मैंने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया है, जो मुख्यालय पर जिन अधिकारियों के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, वो सब गांव पंचायतों में तैनात होंगे, ऐसा निर्देश देंगे। ओडीएफ में सर पैसा कहाँ जाएगा? ODF में ज़्यादातर 31 सितंबर तक पूरा जनपद गोरखपुर ODF हो जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं। नहीं सर, जब प्रधान के खाते में पैसा जा रहा है कि अच्छा जब वो हाँ ODF के लिए आज अभी तक ये सूचना यहाँ मिली कि प्रधानों के खाते में रुपया जा रहा था। आज हमने DM गोरखपुर को कहा है कि प्रधानों के खाते में अब ODF का रुपया नहीं जाएगा, लाभार्थी के खाते में सीधा ODF का रुपया जाए, ताकि बिल्कुल व्यवस्थित और अच्छा निर्माण। Okay.